नमस्कार करौली सरकार की जय। सभी भक्तों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भक्त हैं, उन्होंने पूछा था कि मूलाधार कैसे बंद होगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था मूलाधार के बारे में ही, तो उन्होंने पूछा कि ये बंद कैसे होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल प्रक्रिया है। पूज्य गुरुदेव जो शनिवार और मंगलवार को कार्यक्रम करते हैं शाम को 7 बजे सर्वपीड़ा मुक्ति कार्यक्रम, तो उसके अंदर गुरुदेव इसी हफ्ते से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि जिसके 7 हवन और अमावस्या हो गई है। याद रखिएगा, जो लोगों ने दरबार के 7 हवन करके अमावस्या कर ली है या फिर जो नमन के द्वारा 7 हवन का पुण्य अर्जित किए हैं और अमावस्या हो चुकी है, वही लोगों का मूलाधार बंद होगा। तो आपके 7 हवन अमावस्या हो गई है तो पूज्य श्रीदेव यूट्यूब पर लाइव सर्व पीड़ा मुक्ति कार्यक्रम में ही आपका मूलाधार बंद करते हैं, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हो। बाकी जो लोग दरबार से पहली बार जुड़े हैं तो वो लोग दरबार की विधियों को अपनाकर 7 हवन और अमावस्या करके बाद वो मूलाधार बंद करवा सकते हैं। मूलाधार बंद करने से फ़ायदा आपको बहुत सारे होंगे, जैसे कि आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपको तरक्की दिखेगी और जो भी आप पूजा पाठ करते हो उसका आपको लाभ मिलेगा, तो काफ़ी तरीके से वो आपको लाभ मिलेगा। तो ये मूलाधार आपका बंद हो जाएगा 7 हवन और अमावस्या के बाद। और बहुत से भक्तों का पूज्य श्री गुरुदेव ने इस हफ्ते बंद किया हुआ है मूलाधार, तो जो लोग अभी बाकी रह चुके हैं वो कल मंगलवार है, ठीक है, कल मंगलवार शाम 7:10 पर गुरुदेव लाइव आएंगे, तो उसके अंदर भी मूलाधार बंद करने के लिए कार्यक्रम करेंगे, तो आप लोग वो अटेंड करिए। बाकी हर शनिवार और मंगलवार को गुरुदेव लाइव कार्यक्रम करेंगे, तो आप वो अटेंड करिए जिससे आपका मूलाधार बंद हो जाएगा, बाकी सब अच्छा होगा। और उसमें गुरुदेव सहस्त्रार भी खुलते हैं शनिवार और मंगलवार के कार्यक्रम में, तो आपका सहस्त्रार भी खुल जाएगा, जिससे क्या होगा, सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी सहस्रार के द्वारा, और आपका सारे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सहस्रार के माध्यम से आपके बॉडी में प्रवेश करेगी और सब पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी। आपका पूजा पाठ सब आप किया करते हो उसका लाभ आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप मूलाधार बंद करवा के सहस्रार खुलवा लीजिएगा शनिवार और मंगलवार के कार्यक्रम में, ठीक है। तो प्यार से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।